আমি চলে এসেছিলাম 2 নম্বর ওয়ার্ডে। 2 নম্বর ওয়ার্ডে যিনি পুরো মাতা আছেন আমাদের সঙ্গে, আমরা অবশ্যই জানি যিনি আমাদের ছবি আছেন এখানে, বলার কিছু নেই। আমাদের মদন মিত্র পরিবহন মন্ত্রী ছিলেন, প্রাক্তন মন্ত্রী, উনি বিখ্যাত এখানে। তবে এখন সামনে লোকসভা ভোট, সৌগত রায় অবশ্যই ভোটে দাঁড়িয়েছে। তো ম্যাম, আমি জানতে চাইছি ম্যাম, আপনাদের কিভাবে সরকার সাহায্য করলো, কি সরকারি এমপি পার্টি থেকে সাহায্য করলো, আপনি কতটা উন্নয়ন করলেন, আপনার নামটা প্রথমে একটু বিবরণটা লাগবে বলুন। মেরা নাম অফসানা খাতুন হ্যাঁ, আপ ইহা দেখ রে হ্যাঁ, ইয়ে মেরা অফিস হ্যাঁ, মতলব ইয়ে মমতা বন্দর্জি কা এক মন্দির হ্যাঁ, ইহা সে উন্নয়ন কা কাম হি হোতা হ্যাঁ। আবি এমপি ইলেকশন জো সামনে চলা আ রাহা হ্যাঁ, তো ইসকে বারে মে মাই ইহি বোলনা চাহতি হুঁ কি আপ জব কমিউনিটি ইন কিয়ে হুয়ে হ্যাঁ, তো আপনে খুদ দেখা হোগা জো ভি কাম হুয়ে হ্যাঁ, সব হামারে রহনুমা হামারে লিডারশিপ মে হুয়া হ্যাঁ। হমনে জো ইলাকে মে তরক্কি কি, হমনে জো ওয়ার্ড মে তরক্কি কিয়া, উন্নয়ন কা জো কাম কিয়া। আপ মেরে ওয়ার্ড আইয়ে 2 নম্বর ওয়ার্ড, চুকে ইয়ে মেরা হোম ওয়ার্ড মে হ্যাঁ, মেরা 4 নম্বর ওয়ার্ড হ্যাঁ, যে আমি বেঠি হুঁ, আর মে 2 নম্বর ওয়ার্ড কি কাউন্সিলর হুঁ। তো আপ মেরে ওয়ার্ড মে যাইয়েগা, আর ইস ওয়ার্ড মে ভি জো আপ তরক্কি দেখ রহে হ্যাঁ, হম লোগোঁ নে এমপি ফান্ড সে বহুত সারা কাম কিয়া হ্যায়। আগর আপ 1 নম্বর ওয়ার্ড মে যাইয়েগা, তো ওয়াহাঁ আপকো সবসে পহলে মাল্টি জিম দেখনে কো মিলেগা, জো এমপি ফান্ড সে হুয়া। উসকে বাদ আপকো সুন্দর সা পার্ক মিলেগা, জো কভি হমনে সোচা ভি নাহি থা, ইয়ে ভি এমপি ফান্ড কে মাধ্যম সে হি হুয়া। और आप उसके अलावा चले आइए, बहुत दिनों से मतलब सीपीएम से भी पहले कांग्रेस के जमाने से 50 साल से यहाँ एक यूनियन कॉलेजिएट स्कूल है, किसी ने नहीं सोचा था कि इसको अप्रूवल मिले या इसको कुछ फंड दिया जाए जिससे इसकी तरक्की के काम हो। तो आप देखेंगे, आप यही पास में ही है, आप जाकर देखेंगे 10 लाख रुपया उनके उन्नयन के लिए, तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा उन्होंने अप्रूवल करवाया, पास ही में कम्युनिटी गर्ल्स हाई स्कूल है एक, जो इसी तरह चल रहा था, चलते ही जा रहा था, बच्चियों के बारे में कुछ सोचा नहीं गया, कम्युनिटी चुके स्लम एरिया है। तो ये जो भी तरक्की आप देख रहे हैं, आप अभी दिन किए होंगे तो देखे होंगे, जो भी तरक्की आपने देखा होगा, आप महसूस नहीं कर सकते कि ये पहले क्या था। रात को रिक्शा वाला आने से भी डरता था, यहाँ कोई टैक्सी वगैरह कुछ, हम लोग मजबूर हो जाते थे, बाहर रात में नहीं जाते थे, चाहे जितना भी कोई काम हो, बच्चों को लेकर हॉस्पिटल जाना हो या कहीं भी जाना, तो हम लोग नहीं जाते थे क्योंकि यहाँ एक लाइट का इंतजाम नहीं था। आप जितना लाइट देख रहे हैं सब एमपी लैक्स से हमें फंड मिला, और उसी से हम लोगों ने ये सब तरक्की के काम किए। हमारे वाइस चेयरमैन ने, हमारे मदन दा, हमारे सोगतो दा, हमारे एमपी जो है, और उसके अलावा आपने देखा होगा पॉलिटिक्स से हट के भी, उनका जो फंड है उससे हट के भी यहाँ पर बहुत सारा काम हुआ है, जो गिनवाते गिनवाते दिन और रात खत्म हो जाएगा। और यहाँ एक मिर्जा गालिब स्कूल है जो इसी तरह चल रहा था, उन्होंने तालीम की तरक्की पर ज्यादा ध्यान दिया कि तालीम का फरोग ज्यादा हो। जो मिर्जा गालिब स्कूल है उसमें भी हमारे एमपी साहब ने फंड दिया, भारी रकम का इंतजाम करवा दिया। उसके बाद यहाँ अपने कब्रस्तान कमेटी के मुसलमानों के लिए एक कब्रस्तान में के लिए, तो यहाँ एक कब्रस्तान है जो बहुत खस्ता हाल था, उसका हालत बद से बदतर था, बहुत दिनों से हालत खराब आ रहा था। मगर जब हमारे एमपी साहब को पता चला, उनको हमारे काउंसलरों ने बताया, हम लोगों ने बताया, तो वो 13 लाख उसके लिए इंतजाम करवा दिए ताकि सेट लग जाए, ऊपर से सेट हो, ताकि जो भी भाई जाए अपने क्रियाक्रम के लिए तो अच्छे तरह से कम उनको वहाँ से शांति मिले, देख के अपने लोगों को शांति मिले कि मेरे लोग जहाँ विलेज में रहते थे, जहाँ घर में रहते थे, वहीं कहीं अच्छी जगह पे हैं। बोलने का मतलब ये है, नरेंद्र मोदी सरकार था, सरकार नरेंद्र मोदी सरकार ने जैसे कि गैस बढ़ाया है, सब्जी बढ़ाया है, सब बढ़ाया है, जीएसटी किया है, सब मिला के क्या बोलेंगे आपका बुरी? मैं यही बोलूंगी कि नरेंद्र मोदी, आप देख रहे जातीयता का पार्टी करते हैं, सांप्रदायिक पार्टी करते हैं, मजहब को लेकर पार्टी करते हैं, जबकि हमारे हिंदू भाई सभी जान गए हैं, हमारे हिंदू भाई का परसेंटेज यहाँ पर ज्यादा है, मुस्लिम माइनॉरिटी है। तो जो जीएसटी लागू हुआ है या जो भी कुछ नया लागू हो रहा है, तो हमारे हिंदू भाइयों पर भी लागू हो रहा है। मैं इस बात के साथ एकदम नहीं जाना चाहती कि वो डिक्टेटर है, यहाँ डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, तमाम दुनिया के लोग देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो ये जीएसटी हमारे भाइयों हिंदुओं पर भी लागू किया, और वही लोग ज्यादा है यहाँ इंडिया में, हम तो कम है, माइनॉरिटी के बराबर है, तो हमसे कम ही वो कमा पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा टैक्स, जीएसटी, नोटबंदी में भी ज्यादा परेशानी, हमारे हिंदू भाई ज्यादा बड़े कारोबारी है यहाँ पे,
उनके लिए सच में दुख से बोलना पड़ रहा है कि हमारे भाई कितने ग्रस्त हैं। जो हमारे भाई कम पढ़े लिखे हैं उनको लेके मोदी साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स कामयाब नहीं होगी और हम लोग वहां से उनको निकाल देंगे। आपका इलाका में जो उन्नयन हुआ है उसमें उसमें थोड़ा बताइए हमको। मेरे इलाके में बहुत सारे रोड रास्ते का काम हुआ, ड्रेन का काम हुआ, प्लस आपको एक कम्युनिटी हॉल का काम हुआ जो मेरे रहते रहते ही हुआ है, और इसके अलावा बहुत सारा और काम है, और लाइट का तो बहुत सारा काम हुआ है। लाइट जो एक भी नहीं था, एकदम आपको अंधकार, मेरे वार्ड में चले जाते तो अंधकार ही अंधकार होता, वो काम हुआ है। फिर इसके अलावा फंड से हटने के बाद भी कुछ काम हुआ है, जो एक कम्युनिटी बाथरूम था, औरतों का बाथरूम था, उसको हमारे रहनुमाओं ने, हमारे लीडरों ने, हमारे मदन दा, हमारे सोगतो दा ने उसके ऊपर गरीब औरतों के लिए छतरी लगा दी, सेट का इंतजाम कर दिया, जिससे इलाके के लोग बहुत खुश हैं। और छोटा मोटा जो भी हो, जिस किसी का भी काम हो, जो भी सामाजिक काम हो, सब में ये लोग रहते हैं। और आज मैं तृणमूल कांग्रेस को सर उठा के गर्व से बोलती हूँ कि तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, एमपी जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद। 42 में 42 मिलेगा, क्या मिलेगा वो? 42 में 42, 42 में 42 हम लेंगे, 42 में 42 लेंगे, 42 के अलावा कोई बात नहीं है। लास्ट ये है, आपका आपका इलाका में अपनी इलाका उन्नयन कर रहे, तो अपनी लाइफ 24 घंटा मध्य में अपना मानुष के की बोलते जान भूटे रह पड़े की शायद। मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ, अगर मेरा काम ठीक है, मैंने काम किया है, मेरे लीडरों ने काम किया है, मेरे एमपी साहब ने काम किया है, मेरे एमएलए साहब जो काम करते आ रहे हैं आज भी, मैं यही कहूंगी कि इन लोगों के काम को देखते हुए आप मुझे वोट दीजिए। और आपको लगता है कि मैंने काम नहीं किया या मेरे लीडरों ने काम नहीं किया, तो ये कोई भी नहीं बोल पाएगा कि नहीं किया। एक अंधा छोटा सा बच्चा हो वो भी नहीं बोल पाएगा, वो भी देख लेगा टटोल के कि कहाँ काम हुआ है। तो सवाल ही नहीं होता कि मैं अपने वार्ड से नहीं जीतूंगी, मैं अपने वार्ड से हर वक्त जीतती हूँ, हमेशा ही जीतती हूँ और हमेशा ही जीतूंगी। मैं काम के बिना पे बोल रही हूँ, मैं अपने काम के बिना पे बोल रही हूँ कि मेरे वार्ड में मेरा जीत रखा हुआ है। हम अपने हमारे कंधा पर हमारे एमएलए साहब, हमारे एमएलए साहब के कंधा पर हमारे एमपी साहब, और हम और हमारे एमएलए साहब, हम लोगों ने मिलकर ये बीड़ा उठाई है, कसम खाई है कि हम लोग अपने 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 एमएलए एमपी साहब को जरूर जिताएंगे यहाँ से, और जीत निश्चित है। मदन मित्र आ रहे हैं, मदन मित्र आपको कैसे हेल्प करते हैं? मदन मित्रा साहब देखिए, एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, किस टाइप के नेता हैं हम नहीं जानते। हम लोगों को लगता है कि हमारे सरपरस्त हैं, हमारे रहनुमा हैं, लीडर कम ब्रदर ज्यादा लगते हैं। कोई भी बात हो, समाज से हटके भी कोई बात हो, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो, कहीं खाना नहीं बनता हो, कहीं पानी लग गया हो, किसी के घर में पढ़ने का पैसा नहीं हो, किसी के रहने का छत टूट गया हो, तो दादा ने एक कमेटी डेवलपमेंट कमेटी बनाई है, जो हम कमरट्टी वाले बासिंदा ही मिलके उसको चला रहे हैं। रजिस्ट्रेशन है ये, आप पता कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम लोगों को इसका सपोर्ट देते हैं और उसके माध्यम से हम लोगों के काम आते हैं। बीजेपी के अलावा अब दो पार्टी है, सीपीएम और कांग्रेस, को ये कैसे लेंगे आप? सीपीएम पार्टी तो सुनिए, जहाँ से जाता है हमेशा के लिए चला जाता है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता है, उनको क्रिटिसाइज भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लाल झंडा इतिहास गवाह है, जहाँ से जाता है हमेशा के लिए जाता है, फिर उसके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए कि कब आएगा। और कांग्रेस पार्टी वहाँ दिल्ली में जीते, हम चाहते हैं ये, पता नहीं सपोर्ट किया ममता जी को, कांग्रेस ने, ममता जी ने कभी कांग्रेस के साथ लड़ा था और कांग्रेस से भी ममता जी निकल कर आई है। ममता जी का डेवलपमेंट का काम कर देख रहे हैं, पॉलिटिकली कोई जुदा हो सकता है, कांग्रेस यहाँ कमरट्टी में कोई माने नहीं रखता है, तो कांग्रेस को भी यहाँ पर वोट नहीं मिलेगा। तो हमारे दो नंबर वार्डे जिन्हें पूरा माता आते हैं तरह से सुने नहीं लग उन्होंने इलाज वाला मगर काट दो भाई, कांग्रेस दिल्ली में इसको काट दो सब विषय সামনে লোকসভা ভোট, কৌশল স্যার সঙ্গে দু নম্বর ওয়ার্ড থেকে কৌশল স্যার সঙ্গে 24 ঘন্টা লাইভ থেকে।